गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं ब्रेड की पकौड़ी। ब्रेड की पकौड़ी बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप शिमला मिर्च, कैप्सिकम, 1 कप अनियन, 1 कप टमाटर, ये हमने फाइन चॉप करके रखा है। ग्रीन चिलीज ऑप्शनल है, इसमें मैंने 2 या 3 ग्रीन चिलीज मैंने चॉप करी है। इसके साथ 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हैं, आप हल्का सा क्रश भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा क्योंकि हमारी सॉसेस में भी काफी सॉल्ट है। मैंने 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप लिया है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून शेजवान चटनी ली है। इसके साथ 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है। आपको जितना स्पाइसी पसंद हो आप अपने हिसाब से रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने 10-15 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं और ये हमने 3 कप ऑयल रखाया है अपनी ब्रेड की पकौड़ियाँ फ्राई करने के लिए। अब हमें क्या करना है, ब्रेड की स्लाइसेस को सबसे पहले पानी में डिप करना है। उसके बाद इनको डिप करने के बाद इस पे सारे इंग्रेडिएंट हम डालेंगे, ये जो हमने बना के तैयार करा है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ब्रेड स्लाइस लिया है, इसको क्या करना है आपको पानी में ऐसे डिप करना है। मैंने पानी में डिप करा, अब इसे फटाफट निकाले और इसको ऐसे प्रेस करके, हाथ से बिल्कुल ऐसे प्रेस करके और ऐसे तैयार कर लीजिए। सारे कर लेते हैं फिर बताती हूँ कैसे करना आगे। ये देखिए मैंने ब्रेड भिगो के गीली हो गई है, इसको हाथ से ऐसे करिए, बस मिक्स करिए हल्का सा। अब हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट डाल लेते हैं, देख रहे हैं। ये मैं अनियन डाल रही हूँ, ये मैंने अनियन डाल लिया, इसमें जिंजर गार्लिक, कैप्सिकम और ये टमाटर। आप और कुछ भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न, मशरूम, आपको जो भी पसंद हो। तो सब डाल लिया हमने इसमें, इसी के साथ साथ इसको अच्छे से पहले हल्का सा मिक्स कर लेते हैं पकौड़ी बनाने के लिए ब्रेड की। पानी मत ऐड करिएगा क्योंकि टमाटर प्याज में भी काफी पानी ये रिलीज करेंगे जब हम सॉल्ट डालेंगे। तो ये हमने इसे मिक्स कर लिया, ये हमने ब्लैक पेपर कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया इसमें ताकि क्रिस्पी बने हमारे ब्रेड की पकौड़ी। सॉल्ट मैं अभी हल्का सा डाल रही हूँ, वैसे मैंने 1 टीस्पून लिया है, हाफ ही डाला है क्योंकि अभी सॉस डालने के बाद हम टेस्ट कर लेंगे। ये हमने सॉसेस डाल ली अपनी सारी, अब इनको अच्छे से मिक्स करके इसका कंसिस्टेंसी मिक्सचर की देख रहे हैं, ना ज्यादा थिक ना ज्यादा रनी। तो ये बिल्कुल अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया है। आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छा कलर देगा। ऑल्दो इससे ऑप्शनल है, इससे टेस्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 टीस्पून मैंने रेड फूड कलर डाला है। पार्टी के लिए आप स्नैक्स बना सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी अच्छा स्नैक है और इस फूड कलर के बाद इसमें बिल्कुल वाइब्रेंट कलर आ जाएगा पकौड़ियों में। ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास हो रेड फूड कलर तो डालिएगा। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, मैं ऐसे अच्छे से बना रही हूँ। आप ऐसा पोर्शन लीजिए छोटा छोटा, जैसे भजिया के ले लेते हैं और इसको ऐसे डायरेक्ट तेल पर डालिए और ध्यान से डालिएगा, देख रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे पीस डाले, छोटे थोड़ा क्रिस्पी रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे पीस ऐसे भजिया के लिए आप डालते हैं, ऐसे डालिए। बहुत अच्छी ब्रेड की पकौड़ियाँ बनती है, बहुत ही क्रिस्पी। और इसमें हम सारे चाइनीज डाले मसाले, हमने शेजवान चटनी, रेड चिली पेस्ट, बढ़िया ब्रेड की पकौड़ी बन रही है, कितना वाइब्रेंट कलर आया है। और जब ये क्रिस्पी हो जाएगी तब हमें निकाल लेंगे, फ्लेम मैंने हाई ही रखी है, इन्हें पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, देख रहे हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया भजिया बनी है, चाय के साथ खाइएगा। अभी इसे 2-3 मिनट कुक करेंगे हम दोनों साइड से। देखिए गाइस 5 से 6 मिनट लगे हैं एक बैच को बनने में और कितनी बढ़िया क्रिस्पी हमारी ब्रेड की पकौड़ियाँ बनी हैं, देख रहे हैं। और ऐसी हम सारी बना के रख लेते हैं। अब ऐसी हम सारी बना के रख लेते हैं। ये देखिए गाइस हमारी ब्रेड की पकौड़ियाँ तैयार हो गई है। इसके ऊपर मैंने कुछ ऊपर से फ्राइड करी लीव्स ही डाले हैं और ये इसके साथ चाय, और बहुत ही बढ़िया टेम्पटिंग लग रहे हैं, कितने बढ़िया। आप भी ट्राई करिएगा, बताइएगा कैसे बने हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू।